हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस सीरीज में हम बात करेंगे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन होगा और ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस सीरीज में हम बात करेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के क्वेश्चनों को, जो इस सीरीज़ का 19वां लेक्चर है। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बर्फ को अपने गलनांक पर पिघलने का उदाहरण दीजिए और द्रव का वाष्प में बदलना तथा जल का बर्फ में रूप में जमना किस प्रक्रम का उदाहरण है। द्रव का वाष्प में बदल जाना तथा जल का बर्फ के रूप में जमना किस प्रकार का उपक्रम है, किस उपक्रम का उदाहरण है। और रोगी की सिकाई गर्म जल की बोतल से क्यों की जाती है और आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। इन चारों क्वेश्चनों के आंसर आपको ज़रूर आने चाहिए और यदि नहीं आ रहा है तो आप जो है थोड़ी सी अपनी रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, बुक कोई पढ़ लीजिए, साइंस की बुक यानी फिजिक्स की, और जो है तब जाके आप यहाँ पर रिवाइज करें तो आपको और भी बेटर फील होगा। अब इसके आंसर चेक कीजिए आप कि बर्फ़ का अपने गलनांक पर पिघलना किसका उदाहरण है, तो यह है समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना जो है समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। द्रव का वाष्प में बदलना तथा जल का बर्फ के रूप में जमना किस प्रक्रम का उदाहरण है, तो यह दोनों ही समदाबी प्रक्रम के उदाहरण है। दोनों ही किस के उदाहरण है, तो यह दोनों ही समदाबी प्रक्रम के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगी की सिकाई गर्म जल की बोतल से क्यों की जाती है। रोगी की सिकाई जो है गर्म जल की बोतल से क्यों की जाती है, इसका कारण है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण यह जो है देर तक गर्म रहता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण यह जो है देर तक गर्म रहता है, इसीलिए जो है रोगी की सिकाई गर्म जल की बोतल से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है केवल ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है और ऊष्मीय विकिरण की चाल क्या होती है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, इसका कारण क्या है, और कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्लियर। अब इन क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मीय विकिरण की चाल क्या होती है। तो ऊष्मीय विकिरण की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, जो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, इसका कारण है कि हमारा पसीना जो है तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, इसलिए हमें जो है आराम महसूस होता है। नेक्स्ट है कि कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है। तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन है कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करता है और किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग क्यों किया जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म करने से विस्तारण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इन चारों क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करता है, इसका आंसर होगा कि जब वह काला और खुरदरा हो। तो जो है कोई भी पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण तभी करता है जब वह काला और खुरदरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, यानी किस बिंदु पर फारेनहाइट
तापमान और सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना कब होता है? तो 160 डिग्री फॉरेनहाइट पर जो है, 160 डिग्री पे जो है फॉरेनहाइट सेंटीग्रेड का दोगुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग क्यों किया जाता है? थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो है उच्च चालकता होती है, क्योंकि इसमें जो है उच्च चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म करने से विस्तारण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्म करने पर पदार्थ का घनत्व तो जो है घट जाता है, गर्म करने पर विस्तारण जो है उसका क्या होता है, पदार्थ का घनत्व तो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है, इसका कारण क्या है? और खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा वेकलाइट का हैंडल क्यों लगा होता है? और एक थर्मामीटर जो 800 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या है? और जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? अब इन चारों क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है, इसका कारण है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा वेकेलाइट का हैंडल क्यों लगा होता है? तो खाना पकाने के बर्तनों में जो है, क्योंकि लकड़ी और वेकेलाइट ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसके कारण जो है खाना पकाने के बर्तनों में या तो लकड़ी या वेकेलाइट का हैंडल प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थर्मामीटर जो 800 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या है? तो वो है आपका पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर जो है 800 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए थर्मामीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सिले बिस्कुटों की थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, यानी कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, यानी कि नमी कम होती है, इसलिए बिस्कुटों की अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? और 300 केल्विन तापक्रम का सेल्सियस पैमाने पर मान क्या होगा? और जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? अब इन चारों क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? इसका कारण है कि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका कारण है कि यह आपेक्षिक आर्द्रता जो है घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 केल्विन तापक्रम का सेल्सियस पैमाने पर मान होगा 27 डिग्री सेल्सियस। जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी कौन से विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी कौन से विकिरण को अवशोषित कर सकती है? और शीत ऋतु के दिनों में हम जो है मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? अब इन चारों क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग। तो ब्लैक बॉडी कौन से विकिरण को अवशोषित कर सकती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केवल उच्च तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को जो है ब्लैक बॉडी विकिरण जो है अवशोषित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो शीत ऋतु के दिनों में जो है साफ मौसम होगा तो हमें ठंड ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब क्या होता है? तो बर्फ का अधिक भाग जो है जल बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण पानी जो है ठंडा रहता है? तो ये है वाष्पीकरण क्रिया के कारण जो है पानी क्या होता है, ठंडा रहता है मिट्टी के घड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ताप का मात्रक क्या है और प्रयोगशाला में प्राप्त अधिकतम तापमान कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है और सूर्य के केंद्रीय भाग का ताप कितना होता है। अब इन चारों क्वेश्चनों के आंसर की बात करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन ताप का मात्रक क्या है, तो ताप का मात्रक केल्विन होता है। प्रयोगशाला में प्राप्त अधिकतम तापमान कितना है, तो ये 10^8 केल्विन जो है अभी तक प्रयोगशाला में प्राप्त अधिकतम तापमान है 10^10 यानी 10^8 केल्विन। न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, तो न्यूनतम संभव तापमान जो है 10^-8 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है, तो सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान जो है 10^7 केल्विन होता है। 10^7 केल्विन जो है सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान होता है। तो ये है इन प्रश्नों का आंसर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास से शेयर भी करें, और जो भी आपको सुझाव देना है आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप यदि अभी तक जो है इस एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।